13 अप्रैल की सुबह थाना मालवीय नगर में खबर आई कि खिड़की एक्सटेंशन के एक फ्लैट में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस को इस वारदात की सूचना मृतक के रूममेट ने दी थी, जो अपनी नाइट शिफ्ट से लौटा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा दक्षिणी रेंज को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस ने देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली और गुरुग्राम में कई इलाकों पर छापेमारी की। इस बीच स्थानीय पुलिस ने एक आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी वीरेंद्र उर्फ मोटा फरार था। साउथ डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच की संयुक्त छापेमारी जारी रही। 21 मई को अपराध शाखा दक्षिणी रेंज के SI अशोक दहिया को खबर मिली कि वीरेंद्र गुरुग्राम में अपने सहयोगी से मिलने आएगा। ACP नरेश सोलंकी की निगरानी में इंस्पेक्टर सुशील कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें अशोक दहिया, सोनू नैन, नरेंद्र मलिक, कुलदीप मान, हेड कांस्टेबल प्रमोद सूर्यदेव, योगेश तोमर शामिल थे। इनकी सूझबूझ से वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बताया कि मृतक की मां से उसके अवैध संबंध थे। करीब 2 साल पहले मृतक के एक दोस्त ने वीरेंद्र को मृतक की मां के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद मृतक और वीरेंद्र के बीच तनाव तो बढ़ा, लेकिन बाद में दोस्ती भी हो गई। 11 अप्रैल को मृतक ने वीरेंद्र को वीडियो कॉल कर अपने फ्लैट में पार्टी के लिए आमंत्रित किया। पार्टी में वीरेंद्र अपने चचेरे भाई के साथ पहुंचा। पार्टी के दौरान वीरेंद्र और मृतक ने जमकर शराब पी। इस बीच वीरेंद्र ने मृतक के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। नशे की हालत में मृतक ने वीरेंद्र की मर्दानगी को चुनौती दी, जिससे वो गुस्से में आ गया और तब वीरेंद्र ने मृतक की हत्या कर दी और अपराध को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके बाद उसने मृतक का मोबाइल फोन रोहिणी में फेंक दिया और खुद देहरादून, हरिद्वार और गुरुग्राम के इलाकों में छिपता रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया और अक्सर बिना टिकट ट्रेन की यात्रा करता रहा और गुरुद्वारों में खाना खाता रहा। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस ने आखिरकार उसे दबोच ही लिया। ये था वर्दी करंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।